दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी कुंचम कुंचम यानी थोड़ा थोड़ा। यार, ये ईरानी फिल्में इतनी साइलेंट क्यों होती हैं? हर बात घुमा के कहते हैं ये लोग। मधु ने चाय का कप होंठों से लगा लिया। फिल्म इंस्टीट्यूट के कैंटीन में आज फिर से स्टूडेंट्स आपस में उलझ रहे थे। अरे, वो साफ साफ बात करने लगे तो उनकी गवर्नमेंट उनको जेल में डाल देगी। याद नहीं, कुछ साल पहले उस इटालियन फिल्म मेकर को तो मार डाला था। क्या नाम था उसका? पासोलिनी। लिडिया ने मधु की बात खारिज कर दी। बातों से बातें टकराती रहीं। इतनी देर से सेतु ने कुछ कहा नहीं था। उसने चाय की चुस्की ली और बेमन ग्लास नीचे रख दिया। वो ज्यादा बोलता नहीं था, सुनता बहुत था। फिल्म इंस्टीट्यूट में आए अभी एक महीना ही हुआ था, लेकिन इस पराए शहर में पराए लोगों के बीच उसे यह इंस्टीट्यूट बिल्कुल अपना सा लगने लगा था। यहाँ प्रोफेसर्स रात के खाने के बाद भी छत पर बैठकर फिल्मों की बातें करते थे। रोज शाम कोई बंगाली, इटालियन, ईरानी, रशियन या मलयालम फिल्म दिखाई जाती थी और उस पर घंटों बातें होती थीं। यहाँ कोई टोकता नहीं था कि तुम्हारी दाढ़ी क्यों बड़ी हुई है, दीवारों पर सत्यजीत रे का चेहरा क्यों पेंट कर रहे हो, या रात के 3 बजे हॉस्टल के बाहर बेंच पे क्यों बैठे हो भाई। सेतु यहाँ खुद को परत दर परत खोल रहा था, खोज रहा था। वो उठा और कैंटीन के अन्ना के पास चला आया। उसका बुझा हुआ चेहरा देखकर अन्ना समझ गए कि आंध्रा के गुंटूर से आए इस लड़के को आज भी चाय पसंद नहीं आई। वो जरा सा सरक गए और उसे अंदर आने का इशारा किया। अन्ना का जिस भी स्टूडेंट पर दिल आ जाता ना, उसे किचन में एंट्री मिल जाती। किसी के लिए फ्रिज में दही रख देते तो किसी के लिए अंडे। अष्टमी के दिन तो सारे बच्चे ही मिलकर खाना बनाते। उस दिन अन्ना को छुट्टी होती थी। सेतु ने एक छोटा पतीला गैस पर चढ़ाया और बिना शक्कर वाली काली चाय बनाने लगा। उसमें कोचीन घास के कुछ पत्ते गिरा दिए। चाय की भाप में उसका सांवला चेहरा चमक उठता था। ये उसका सबसे पसंदीदा काम था, चाय बनाना, देर तक उसे उबालना। उसने अपने घुंघराले बालों में हाथ फेरा और चाय छानने लगा। अन्ना, एक चाय पिला दीजिए, काली वाली, बिना चक्कर, एकदम कड़क। तीर की तरह एक आवाज तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके कानों को चूम गई। उसने पलट कर देखा, ये वही थी, रेशम जैसे सीधे सीधे लंबे बाल जो सेतु के बालों से बिल्कुल ऑपोजिट थे। दो छोटी छोटी उभरी हुई आंखें और प्यारी सी नन्ही सी नाक। मेघालय के सोहरा से आई थी ये लड़की, सोहरा जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती थी। वांसुक को देखकर पता लगता था कि मेघालय के लोग कितने सुंदर और सादे होते होंगे। सेतु को पहले तो पता था कि उसी की तरह ये भी ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती होगी। तुम डायरेक्शन डिपार्टमेंट में हो ना, क्या यहाँ पार्ट टाइम काम करता है? वांसुक ने सेतु की आंखों में देखकर सवाल उछाला। सेतु ने नामे सर हिलाया और चाय सामने रख दी। चाय का गर्म ग्लास हाथों में थामते हुए उसने अगला सवाल किया। बोलते नहीं? सेतु ने मुंह खोला ही था लेकिन वांसुक रुकी नहीं। अच्छा, हिंदी नहीं बोल पाता? सेतु के होठों ने मुस्कुराहट खींच ली। सांस क्यों नहीं लेती ये लड़की? फिर बोला, कुंचम कुंचम, थोड़ा थोड़ा, बट इंग्लिश आई कैन। वांसुक ने चाय की चुस्की ली और आंखें बड़ी करके सेतु को देखा। वो समझ गया कि उसे चाय पसंद आ गई है। उस दिन से किचन के इस तरफ गुंटूर का ये लड़का चाय बनाता और उस तरफ सोहरा की ये लड़की चाय के ग्लास पर ग्लास खत्म कर देती। लेकिन बातें बातें बहुत थोड़ी होती, कुंचम कुंचम। उस रोज क्लास में एक्सरसाइज दी गई थी। वांसुक सिनेमाटोग्राफी यानी कैमरा डिपार्टमेंट से थी। कुछ ग्रुप्स बनाए गए थे जिसमें हर डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट था, एक डायरेक्शन वाला, एक सिनेमाटोग्राफी वाला, एक एडिटिंग और एक साउंड। सेतु और वांसुक एक ही ग्रुप में थे। वांसुक ने कैमरा इशू करवाया और उसका ट्राइपॉड यानी एक बहुत भारी भरकम स्टैंड जिस पर कैमरा खड़ा किया जाता है। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी कमर पर बेल्ट कसा और ट्राइपॉड कंधे पर उठा लिया। सेतु ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वांसुक ने आंखों से ही मना कर दिया। वो कैमरा डिपार्टमेंट के 12 स्टूडेंट्स में अकेली ही लड़की थी। बाकियों के मुकाबले यहाँ भारी काम होता था, ट्राइपॉड और लाइट्स उठाना, उनको इंस्टीट्यूट के एक कोने से दूसरे कोने तक कंधे पर ढोना और फिर अपना मनचाहा फ्रेम बनाना। मधु ने पीछे से तंज कसा, क्या बात है, अकेले उठा लिया,
मोमोज खा के तो तुझ में बहुत ताकत आ गई वांसुख। नॉर्थ ईस्ट के अपने साथियों से इस तरह बदतमीजी से बात करना कई स्टूडेंट्स की आदत बन गई थी। हाँ, हम लोग तो दिन भर मोमोज ही खाता है। जरा इधर आ तो तुझे मोमोज की ताकत दिखाऊं। वांसुख ने मधु को करारा जवाब दिया तो वो चुपचाप निकल लिया। सेतु ने वांसुख के रास्ते में पड़ा एक पत्थर पांव से अलग कर दिया। यूर अ फाइटर, जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ना लड़ने का, वो भी अपनी जमीन पे, ये प्रूव करने के लिए कि मैं भी उसी कंट्री में रहती हूँ जिसमें तुम। वांसुख ने उसे बिना देखे जवाब दिया। वो जब दिल्ली में बीए कर रही थी तब भी उसने यही बातें सुनी थीं, यही सब झेला था। उसे कोई किराए पर कमरा देने को राजी नहीं होता था। उसकी एक सहेली ने उसे अपने ही कमरे में जगह दे दी थी। जैसे तैसे बिल्डिंग में आते जाते लोगों से नजर बचाते उसने 3 साल बिताए थे। उसे यकीन था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में किसी को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो देश के किस कोने से आई थी। लेकिन वांसुख के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। सेतु ने उसके कंधे पर से फिसलते ट्राईपॉड को थामा और उसका एक सिरा पकड़ लिया। एक पल वो वांसुख की आंखों में खोकर हल्के से बुदबुदाया, आ मैं भी अंध मैं निकल लू, यानी उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। कुछ कहा तुमने, कुछ विस्पर कर रहे थे तेलुगु में? सेतु ने नामे सर हिलाया और आगे चलता रहा। मैं भी खासी में बोलूंगी, आप फिर मत पूछना। वांसुख ने उसे कोहनी मारी। मेघालय में लोग खासी भाषा में बात करते थे ये तो सेतु जानता था, लेकिन उसने ये भाषा कभी सुनी नहीं थी। इससे पहले कि वो इस खास भाषा के बारे में पूछता उसका फोन बज उठा। नना एमी ले तू। उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव से इतना तो समझ आ रहा था कि वो किसी बात की सफाई दे रहा था। उसकी आंखें भरने लगी थीं। उसने फ़ोन काटकर स्विच ऑफ कर दिया। कौन था? तुम ठीक हो? वांसुख ने कैमरा नीचे रख दिया। नन्ना माय फादर, ही डिडंट लाइक मैं आया इंस्टीट्यूट, बोला फार्म देखो। सेतु ने आंखों में आंसू रोक लिए थे। वो चाहता था कि सब कुछ बता दे वांसुख को, कैसे वो अपने नन्ना से लड़कर आया था यहाँ। नन्ना चाहते थे कि वो भी उनकी तरह मिर्च की खेती करे, लेकिन सेतु बचपन से ही फिल्में बनाना चाहता था। नन्ना उस रात खाने की थाली से उठ गए थे, फिर किसी ने खाना नहीं खाया था। अगली सुबह सेतु ट्रेन में बैठ गया था, उनसे बिना मिले बिना बात किए। शाम को आज फिल्म देखने के बाद जब सेतु हॉस्टल पर लौटा तो उसके मन में सवालों का एक बवंडर उठ रहा था। एक तरफ नन्ना थे, एक तरफ फिल्में बनाने की जिद, और तीसरी तरफ थी वांसुख, जिससे वो अपना ये रिश्ता अब तक नहीं समझ पाया था। वो बिस्तर पर लेटे हुए कांच की बोतल में भरी चमचमाती लाइट्स को देखता रहा। कैंटीन जाकर चाय बनाने का भी मन नहीं था। आज अपूर शौनशार फिल्म दिखाई गई थी। अपू की जिंदगी में अपर्णा के आने के बाद उसकी खिड़की के फटे हुए पर्दे बदल जाते हैं, घर में धूप बत्ती की महक घूमने लगती है। कैसे कोई मिदास की तरह छू कर सोना कर देता है ना जिंदगी का। खिड़की के नीचे जोर जोर से बजते हॉर्न ने उसे होश में ला दिया। उसने नीचे झांका तो वांसुख थी। वो कैंटीन वाले अन्ना की बाइक उठाकर लाई थी। ये लड़की इतनी भारी भरकम बाइक कैसे चला लेती है? सेतु बिना कुछ बोले नीचे चला आया। उसने पूछा भी नहीं कि मुझे कहां ले जा रही हो। जानता था कि उसका साथ है तो रास्ता कौन सा है ये जरूरी नहीं है। शोंग, वांसुख ने कहा और वो बैठ गया। शायद खासी भाषा में बैठने को यही कहते होंगे, उसने पूछा नहीं। रास्ते भर वो जैसे गशी में रहा। वांसुख के बाल उसकी नाक से टकराते रहे। उनकी हल्की हल्की नारियल सी खुशबू वो जहन में बसाता रहा। कई बार हथेलियां आगे बढ़ी कि उसके कांधे पकड़ ले या थोड़ी ही टिका दे उसके जैकेट पर, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सितंबर की शाम बारिश अभी अभी गुजरी थी। गाड़ी पहाड़ी रास्तों से होते हुए एक टीले पर बने मैदान में आ गई। आसमान साफ था, बादल निकल चुके थे और चांद अपनी हाजिरी लगा चुका था। रात का थाल तारों से भर गया था। कीड़ों की आवाजें शोर कर रही थीं। घास के पीले फूलों ने मैदान पर कब्जा कर रखा था। उतरो, वांसुख ने सेतु से कहा। हवा में हल्की ठंड थी। सेतु की कमीज के अंदर एक हवा का झोंका घुसा और वो सिहर उठा। वांसुख ने अपना जैकेट उतारा और उसको थमा दिया। वैसे ये काम हीरो करता है, हीरोइन नहीं। इट्स
Never so cold in my town. सेतु एक पत्थर से टिक कर बैठ गया। पता है तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ मैं? वांसुक ने पूछा तो उसने ना में सर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, शायद तुमको सुनना चाहती थी। वांसुक उसके कंधे से कंधा सटाकर बैठ गई। दोनों की आंखें दूर कहीं शहर की टिमटिमाती रोशनियों को देखती रहीं। सेतु ने कांपती आवाज में कहा, अतनु अन्नम तिनाडो, ही डज नॉट ईट एट ऑल माय नन्ना, सो स्टबर्न ही इज, सो स्टबर्न, ही वांट्स मी टू कम बैक, लीव दिस फिल्म थिंग, ही इज स्कैर्ड ऑफ ड्रीमिंग यू नो। वांसुक ने बैग से थर्मस निकाला और मग में काली चाय डाली। पता है दादा साहब फाल्के जब फिल्में बनाना सीख रहे थे ना, रात रात भर फिल्में देखा करते थे। कुछ टाइम के लिए तो उनकी आंखों से रोशनी चली गई थी, लेकिन वो सपना नहीं गया, वो आंखों में ही टिका रहा। सेतु ने वांसुक की आंखों में देखा, इतने अंधेरे में भी वो चमक रही थी, उम्मीद भरी आंखें। उसने चाय की चुस्की ली और वो कड़वा घूंट उसकी जबान पर ही अटक गया। दिस चाय सो बैड, सो सो बैड, और हंसने लगा। वांसुक भी हंसने लगी। बाइक मैं चलाऊंगी, चाय तुम बनाना। सेतु का फोन बज उठा। उसने अपने छोटे भाई का मैसेज देखा तो उसकी हंसी गायब हो गई। मैसेज में लिखा था, दे आर फाइंडिंग अ गर्ल फॉर यू। सेतु ने वांसुक को बताया नहीं कि उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं। रात भर बुने हुए सपनों को वो यूं तागा तागा तोड़ना नहीं चाहता था। सुबह वो दोनों लौटे तो स्टूडेंट्स क्लास में नहीं गए थे, टीचर्स भी नहीं। पेड़ के नीचे सब लोग बैठे हुए थे। ये आम का पेड़ था जहां अक्सर सारे स्टूडेंट्स मिला करते थे। लिडिया वांसुक के पास आ गई। नया चेयरमैन अपॉइंट हुआ, ये देख। सेतु ने उसके हाथ से कागज ले लिया। दिस मैन, ही हैज जीरो नॉलेज अबाउट फिल्म्स, ही कांट बी द चेयरमैन। वांसुक ने कागज को गौर से पढ़ा। ये पूरी कमेटी ही क्वालिफाइड नहीं है, ना किसी ने कोई अच्छी फिल्म बनाई है, ना किसी को कोई अवार्ड है। ये लोग कैसे सिलेबस डिजाइन करेंगे, क्या करेंगे अब हम? स्ट्राइक। सेतु की आवाज में इरादा एकदम पक्का लग रहा था। वांसुक मुस्कुराने लगी। घर से एक फोन आने पर यह लड़का परेशान हो जाता है और आज इतने बड़े सवाल का जवाब इसने इतनी आसानी से दे दिया। शाम तक सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स वहीं बैठे रहे। कोई नारेबाजी नहीं, हल्ला मचाना नहीं, खामोशी वाला आंदोलन था ये, असहयोग आंदोलन। रात होते होते आम का पेड़ जगमगा उठा था। गिटार पर कोई फैज फराज की गजलें गा रहा था, लोग गीत गाए जा रहे थे, कविताएं पढ़ी जा रही थीं। आर्ट को बचाने के लिए आर्ट क्या है ये दिखाना जरूरी हो गया था। अगले दिन क्लासेस नहीं हुई, कोई गया ही नहीं। बात सारे शहर में और शहर से बाहर धीरे धीरे फैलने लगी थी। बड़े बड़े फिल्म इंस्टीट्यूट से खत आने लगे थे, सब स्टूडेंट्स का साथ दे रहे थे। इंस्टीट्यूट के गेट पर पत्रकार मंडराने लगे थे। जो भी स्टूडेंट बाहर निकलता उसे पकड़कर सवाल दागे जाते। सेतु जब किसी दोस्त के साथ दोपहर को बाहर निकला उसे भी पत्रकारों ने पकड़ लिया। क्यों कर रहे हैं आप लोग, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देने की क्या जरूरत है? पढ़ने आए हो, पढ़ो और निकल जाओ। सेतु ने गहरी सांस ली। वी आर द टॉप मोस्ट फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट बिकॉज वी आर फ्री टू थिंक एंड दैट मेक्स ग्रेट फिल्म्स। उसके दोस्त ने स्टूडेंट्स की बात रखी। जिसने कभी एक फिल्म भी नहीं बनाई वो कैसे तय करेगा कि फिल्म स्कूल के बच्चे क्या पढ़ें और क्या नहीं? सेतु का फोन बजा तो अम्मा का नाम देखकर उसने उठाया नहीं। अगले पल उसके फोन में एक लड़की का फोन आ गया। वो हॉस्टल के बेंच पर जाकर बैठ गया जहां वांसुक कोई किताब पढ़ रही थी। उसने फोन खोलकर उसे फोटो दिखाई। कौन है ये, कितनी सुंदर है, दे वॉन्ट मी टू गेट मैरिड। सेतु ने उसे बिना देखे ही जवाब दिया, गुंटूर से ही है लड़की, तो कर लो ना शादी। वांसुक ने उसकी टांग खींची। सेतु ने ना में सर हिलाया। उसने बेंच पर टिके वांसुक के हाथ की तरफ उंगलियां बढ़ाई। वांसुक ने हाथ पीछे खींच लिया। वो एक पल को शर्मा गई लेकिन उसने अपने चेहरे पर छलकती खुशी अगले ही पल छुपा ली। तो कैसी लड़की चाहिए,
मैं ढूंढ दूंगी कोई मेघालय वाली, लेकिन पहले खासी बोलना तो सीख लो। सेतु ने उसकी आंखों में झांका। योर पेरेंट्स नेवर फोर्स यू टू मैरी। वंशुक की आंखें हॉस्टल के अमलतास पर टिकी रहीं। कोई बुलबुल मंडरा रही थी वहां। हम खासी लोगों में माँ ही घर के सारे डिसीशन लेती है। पता है हम सरनेम भी माँ का ही लगाते हैं। शादी के बाद लड़का लड़की के घर आकर रहने लगता है, इसीलिए तो कहती हूँ खासी सीख लो। सेतु मुस्कुराने लगा। वांसुक आगे कहती रही, माँ जानती है फिल्में बनाना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। बचपन में संडे के दिन 12 बजे गुरुदत्त की फिल्में आती थीं दूरदर्शन पे। मैं 3 घंटे टीवी पर आंखें चिपकाए बैठी रहती। फिल्म में फ्रेमिंग, कॉम्पोजिशन, लाइट्स सब देखती थी। और फिर माँ को साड़ी पहनाकर वहीदा रहमान के पोज में खड़ी करवा के फोटो खींचती थी। तुम्हें तो इंजीनियरिंग करते करते लगा था ना कि फिल्में बनानी चाहिए। टाइम लगता है सेतु, हमें अपने सपनों को समझने में टाइम लगता है। फैमिली को भी थोड़ा टाइम लगेगा ना। सेतु जानता था कि उसके परिवार के लिए ये सब समझना इतना आसान नहीं था, खासकर नन्ना के लिए। वो चाहते थे कि उनका परिवार हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। कई साल पहले उनके बड़े भैया मुंबई गए थे नौकरी खोजने, लेकिन वो कभी लौटे नहीं। नन्ना ने मुंबई के कई चक्कर काटे, पुलिस कचहरी सब किया, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुंटूर से लेकर रामेश्वरम तक न जाने कितने मंदिरों में धागे बांधे, नारियल चढ़ाए, मन्नतें मांगी। कभी कभी नींद में ही अपने बड़े भाई का नाम लेकर बड़बड़ाते थे। नन्ना ने ठान लिया था कि अब उनके परिवार का कोई भी गुंटूर से बाहर नहीं जाएगा। अपनी सुलझन में वो कैसे वांसुक से कह देता जो उसके दिल में था। उसे खुद नहीं पता था कि वो वहां रुक पाएगा या नन्ना किसी भी पल उसको वापस बुला लेंगे। ऐसे में वांसुक का क्या होगा। वो बेंच से उठा और उससे बिना कुछ कहे कैंटीन की तरफ चला गया। वांसुक का दिल सवालों से भर गया था। सेतु कैंटीन पहुंचा तो टीवी पर न्यूज चल रही थी। कुछ महीनों पहले इस डायरेक्टर को लोगों ने मारा पीटा था। लोगों का कहना था कि उसने अपनी ऐतिहासिक फिल्म में सब गलत जानकारी दी है, जबकि वो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। आज फिल्म रिलीज होने के बाद ये खुलासा हुआ है कि फिल्म में कोई ऐसी गलत या अपमानजनक बात नहीं है, लेकिन इस मारपीट और तोड़फोड़ के कारण डायरेक्टर को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सेतु ने दिल में ठान लिया कि उसे सिर्फ फिल्में ही बनानी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। जब फिल्म पूरी हो जाती है तो फिल्म बनाने वाले के विचार उसमें छपकर अमर हो जाते हैं, हमेशा के लिए। सेतु चाय बनाने के लिए किचन में चला गया, तभी अम्मा का फोन आया। उसका जवाब तय था। ले दो अम्मा। सेतु ने तेलुगु में कुछ बातें कहीं और फोन रख दिया। चाय में कोचीन घास के पत्ते गिरा दिए। सामने वांसुक खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो बोला, आई एम नॉट गोइंग बैक। द रोड इज डिफिकल्ट बट आई विल वॉक टू द एंड। स्ट्राइक का असर होने लगा था। अखबारों में खबरें छपने लगी थीं। बड़े बड़े फिल्म मेकर स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे। सेतु स्ट्राइक में सबसे आगे था। ये लड़ाई उसके लिए बहुत जरूरी हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में डर घर करने लगा था कि नन्ना ने अगर अखबार पढ़ा होगा तो स्ट्राइक की बात उन्हें पता चल गई होगी। टीवी पर भी इक्का दुक्का खबरें उछल रही थीं। वो तो उनके कानों पर जरूर पड़ी होंगी। और हुआ वही जिसका उसे डर था। शाम को वांसुक जब पेड़ के पास पहुंची तो वहां उसे सेतु दिखा ही नहीं। वो टहलते टहलते शांताराम पॉइंट तक हो आई। सेतु कभी कभी यहाँ किताब लेकर बैठा रहता था, लेकिन वो आज यहाँ भी नहीं था। अन्ना से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, वो गुंटूर तो सुबह आया था चाय बनाने को, उसके बाद नहीं आया। वांसुक हॉस्टल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। क्या हुआ होगा, क्या अब सेतु उससे दूरियाँ बनाने लगा है। लेकिन कल तक तो सब ठीक था, अब तो वो यहीं रुकने का फैसला कर चुका था। वो उसके कमरे में पहुंची तो सेतु बिस्तर पर बैठा हुआ था। वांसुक की नज़र उसकी खिड़की के पर्दों पर चली गई। उसने पिछले हफ्ते ही नए पर्दे चढ़ाए थे, बिल्कुल अपूर शौनशार की अपर्णा की तरह। कितना खुश हुआ था तब सेतु, लेकिन आज वो खामोश था। उसके काले सूती कुर्ते की बाहें मुड़ी हुई थीं।
बाल हमेशा की तरह बिखरे हुए थे लेकिन कंधे झुके हुए थे। वांसुक उसके पास बैठी रही बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे। कुछ पल बाद सेतु हल्के से बुदबुदाया, आई हैव टू गो, नन्ना इज हॉस्पिटलाइज्ड। वो दोनों उस पल में जान गए थे कि सेतु गया तो शायद लौटेगा नहीं। उसने आंखें उठाकर वांसुक को देखा। मैं भी आई, कहकर वो उठी और दरवाजे से बाहर निकल गई। सेतु वहीं बैठा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने बेड के नीचे से अपना बैग निकाला और अलमारी खोलकर कपड़े नीचे गिरा दिए। जहां जा रहा था वो घर था या जिसे छोड़कर जा रहा था वो? वांसुक कमरे में दाखिल हुई और सेतु की हथेली पर एक लकड़ी का डिब्बा रख दिया। अंदर मोटी मोटी सी गीली जड़ें थीं। इसमें मेघालय की हल्दी है, देखना शायद वहां गुंटूर में जड़ पकड़ ले। सेतु की आंखें भर आईं। वांसुक उसका एक एक कपड़ा तहाकर बैग में रखने लगी। उस रात टीले वाले मैदान पर उसने जो जैकेट दिया था वो भी। सेतु पीठ पर बैग लादे खड़ा रहा। वांसुक खिड़की से बाहर देखती रही, फिर अपनी आंखें बंद कर ली, उनके पीछे कई आंसू कैद कर लिए। सेतु उसकी तरफ मुड़ा और अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। कान में बुदबुदाया, किसेस आर मैसेंजर्स, दिस वन सेज गुड बाय। सेतु कमरे से निकल गया। वांसुक वहीं खड़ी खाली दीवारों को देखती रही, उसके बिस्तर पर लेट गई। शाम को हवा जैसे रुक गई थी, खिड़की के पर्दे बुत बन गए थे। कमरे का दरवाजा किसी तूफान सा खुला और स्टूडेंट्स का झुंड वांसुक के सामने आ धमका। अगले ही पल वांसुक ने अन्ना की बाइक उठाई और स्टेशन पर पहुंची। उसकी सांस फूल रही थी। उसके बैचमेट्स ने जो बताया था वो खबर वो खुद सेतु को देना चाहती थी। ओवरब्रिज की सीढ़ियां आज न जाने क्यों इतनी लंबी लग रही थीं। उसकी नजर ट्रेन पर पड़ी। वो दौड़ती भागती प्लेटफॉर्म पर पहुंची। ट्रेन की खिड़कियों से चिपके एक एक चेहरे को आंखों से टटोलती रही। आखिर वो चेहरा उसे दिख गया, सेतु। उसे देखकर सेतु की आंखें डबडबा गईं। वो दरवाजे पर आ गया। अपनी फूलती हुई सांसों के बीच ही वांसुक ने वो खबर दी, स्ट्राइक खत्म हो गई, हमारी डिमांड्स मान ली गईं। सेतु का चेहरा चमक उठा जैसे कोई जंग जीत ली हो। वो वांसुक को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने उसे रोक दिया। उसने सवालिया नजरों से देखा तो वांसुक ने उसका माथा चूम लिया। किसेस आर मैसेंजर्स, दिस वन सेज हम फिर मिलेंगे। ट्रेन ने लंबी सीटी मारी और लोहे के पहिए घूमने लगे। वांसुक सेतु को देखती रही। वो जोर से चिल्लाया, नैनू निन्नू प्रेम इस्तु नानू। वो बस एक शब्द समझ पाई, प्रेम, और जीने के लिए वही काफी था। बस इतनी सी थी ये कहानी।